नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं नीरज कुमार कैथल, स्टाफ नर्स एग्जाम्स प्रिपरेशन एम्स नागपुर क्विक रिवीजन पॉइंट वीडियो सीरीज का पहला वीडियो हिंदी में। लेट्स बिगिन। डे बिफोर सर्जरी गिव लाइट डाइट टू पेशेंट टू प्रिवेंट वॉमिटिंग एंड एस्पायरेशन ऑफ फूड कंटेंट ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। जिस व्यक्ति की सर्जरी होने वाली है उसे सर्जरी से पिछली रात बिल्कुल हल्का खाना देना चाहिए और सर्जरी से कुछ घंटे पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार मुंह से कुछ नहीं देना चाहिए। एनेस्थीसिया दिए जाने पर या सर्जरी के दौरान व्यक्ति को एस्पायरेशन हो सकता है, यानी उसके पेट में जो खाना है एनेस्थीसिया की वजह से वो हो सकता है कि रिगर्गेट होकर फेफड़ों में चला जाए, जिससे व्यक्ति की सांस बंद हो सकती है और उसकी मृत्यु हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, सर्जरी से पहले पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है और सर्जरी से एक रात पहले डॉक्टर द्वारा बताया गया सिंपल साधारण और हल्का भोजन देना है। ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है 7.35 से 7.45। ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन होता है। आई ऑर्गन ऑफ साइट है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा सिक्रीट होता है। एंटीकोगुलेंट प्रिवेंट्स द एक्सटेंशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स। एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस या ड्रग्स क्लॉट्स के निर्माण को रोकते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लोकेटेड इन आई। हमारे शरीर के आधे से ज़्यादा सेंसरी रिसेप्टर्स आँख में स्थित होते हैं। फादर ऑफ रेलवेज जॉर्ज स्टेफसन। एटीन्यूएटेड वैक्सीन अवॉइडेड इन HIV पॉजिटिव चाइल्ड बिकॉज हिज इम्यून सिस्टम इज सीवियरली कॉम्प्रोमाइज्ड। जो बच्चे HIV पॉजिटिव हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से ग्रसित हैं, उन बच्चों में एटीन्यूएटेड वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि HIV वायरस के कारण उनकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम है, वो कमज़ोर हो गया है और इस तरह के वैक्सीन्स लगाने पर हो सकता है उनमें वो रोग हो जाए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई हेल्थ की परिभाषा, यह परिभाषा WHO ने 1948 में दी थी। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। इस डेफिनेशन को आप जरूर याद कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में इससे पूछ लिया जाता है। क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट ब्लेम्स हिज फैमिली एनवायरमेंट फॉर हिज एल्कोहलिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन कंडीशन इज प्रोजेक्शन। एक शराबी अपने शराब पीने की आदत को के पीछे अपने परिवार को जिम्मेदार बताता है, परिवार के माहौल को इसके लिए जिम्मेदार बताता है। ऐसा करके वह प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म का यूज़ करता है। ऑल बॉडी टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम द प्राइमरी जर्म लेयर। हमारे शरीर के सभी टिश्यूज़ प्राइमरी जर्म लेयर से डेवलप होते हैं, जो हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। कैलोरिक टेस्ट का उपयोग ऑडिटरी नर्व के फंक्शंस को चेक करने के लिए किया जाता है। विलियम एंथोवन ने 1895 में ESKG का आविष्कार किया था। बफर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स, दे मेंटेन pH ऑफ ब्लड। बफर सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका निर्माण वीक एसिड और उनके साल्ट से मिलकर होता है। यह हमारे ब्लड के pH को नियंत्रित करते हैं, मेंटेन करते हैं। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी की हाइट 45 से 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। पेल्विस और पेल्विक गर्डल का निर्माण चार हड्डियों से मिलकर बना होता है, जो हैं दो इनॉनिमेट बोन्स, एक सैक्रम बोन और एक कॉक्सिक्स बोन। इनॉनिमेट बोन का निर्माण इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से मिलकर होता है। वीक थ्रेडी पल्स विथ अ सिग्निफिकेंट हाइपोटेंशन मे सजेस्ट सर्कुलेटरी फेलियर। यदि किसी पेशेंट में उसकी पल्स बहुत हल्की महसूस हो और उसमें अगर हाइपोटेंशन, लो बीपी होने लगे, तो
तो ये सब साइन सर्कुलेटरी फेलियर को बताते हैं। नर्सेस प्लीज यूज मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स टू प्रायोरिटाइज नर्सिंग केयर। नर्सेस आपको हमेशा मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के रूल को यूज करना चाहिए पेशेंट की केयर प्रायोरिटी को डिसाइड करने के लिए। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द एरिया इज राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा स्टेट या राज्य है राजस्थान। टोकोलाइटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जिनके द्वारा यूट्रस को रिलैक्स किया जाता है या यूट्रस में होने वाली सभी एक्टिविटीज़ को कम किया जाता है। थ्री मेन बफर सिस्टम्स ऑफ आर बॉडी। हमारे शरीर में कुल तीन प्रकार के इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम्स पाए जाते हैं जो हैं प्रोटीन बफर सिस्टम, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, थर्ड है फॉस्फेट बफर सिस्टम। यदि किसी व्यक्ति के CSF सैंपल में कोब वेब अपीयरेंस यानी मकड़े की जाली के समान स्ट्रक्चर्स दिखाई दें तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति में TB मेनिनजाइटिस है या हो सकता है। हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जिसे अगर हम सेंटीग्रेड्स में कन्वर्ट करें तो यह करीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नर्सिंग रिसर्च ए सिस्टमिक इंक्वायरी टू डेवलप नॉलेज अबाउट इश्यूज ऑफ इम्पॉर्टेंस टू नर्सेस। नर्सिंग रिसर्च में हम नर्सेस के लिए आवश्यक मुद्दों की इश्यूज की सिस्टमिक इंक्वायरी करते हैं। ब्लड कंटेन एवरेज 55% ऑफ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। हमारे ब्लड में लगभग 55% भाग स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड का होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। सोडियम शुड बी मेंटेन इन पेशेंट ड्यूरिंग लिथियम थेरेपी। वह पेशेंट जो लिथियम ड्रग ले रहा है उसमें हमें उसका सोडियम लेवल क्लोजली मॉनिटर करते रहना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS प्रीटर्म बेबीज में इसके होने के चांसेस लगभग 50-80% होते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश है। पॉक्सो एक्ट की फुल फॉर्म है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअली ऑफेंस से बचाने के लिए बनाया गया है। नॉर्मल हर्ट इम्पल्स कंडक्शन। हमारे हर्ट में जो इम्पल्स जनरेट होते हैं वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाते हैं इनका एक सीक्वेंस है। SA नोड यानी साइनो एट्रियल नोड, यह इम्पल्स जनरेट करता है। इसके द्वारा जनरेट किए गए इम्पल्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AV नोड तक पहुँचते हैं। यहाँ से फिर इसे बंडल ऑफ हिस में ट्रांसमिट किया जाता है। बंडल ऑफ हिस से यह बंडल ब्रांचेस और बंडल ब्रांचेस से पुरकिंजे फाइबर्स तक कंडक्ट होते हैं। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूशन 0.9% सेलाइन और नॉर्मल सेलाइन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट हीमोलाइसिस ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ट्यूबिंग्स। किसी भी व्यक्ति में ब्लड चढ़ाने से पहले और ब्लड चढ़ जाने के बाद हमें 0.9% सेलाइन या नॉर्मल सेलाइन जिसे NS भी कहा जाता है फ्लश करना चाहिए। ऐसा करने से ट्यूबिंग्स के अंदर इरिथ्रोसाइट्स यानी RBC का हीमोलाइसिस नहीं होता यानी RBC डिस्ट्रॉय नहीं होती। मैट्रिक सिस्टम टू मेजर वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के वॉल्यूम को मापने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर्स का यूज़ करते हैं। हमारे देश का सबसे छोटा स्टेट क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है। RDS means respiratory distress syndrome. It is a serious lung disease by immaturity and inability to produce surfactant resulting in hypoxia and acidosis. RDS एक serious lungs disease है जिसमें surfactant या तो नहीं बनते हैं या immature होता है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया और एसिडोसिस जैसी कंडीशंस हो सकती हैं। RDS की शुरुआत जब बच्चा 20 हफ्ते का होता है
तब से होती है, 28 वीक में ये मैक्सिमम होती है और 34 वीक में ये मैक्सिमम एक्टिव होती है। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात स्टेट में है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है माहे, जो कि पांडिचेरी में है। ब्लड प्लाज्मा में 91.5% पानी होता है। ईसीजी पेपर की स्पीड होती है 25 mm/s, या यूं कहें 2.5 cm/s। मोनोप्लेजिया, सिंगल लिम्ब पैरालिसिस। मोनोप्लेजिया का अर्थ है किसी एक लिम्ब यानी एक हाथ या एक पैर किसी एक में पैरालिसिस होना। नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है 10-21 mmHg। शॉक के दौरान पेशेंट को ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देनी चाहिए। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन में व्यक्ति का सर उसके पैरों के लेवल से थोड़ा सा नीचे होता है। डिगॉक्सिंग पॉइजनिंग केस में डिगिविंड एंटीडॉट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मॉर्फिन पॉइजनिंग में नैलॉक्सोन एज अ एंटीडॉट यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर और फंक्शंस के आधार पर हमारे शरीर में चार प्रकार के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, जो हैं कनेक्टिव टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्व टिश्यू। एंटीकोगुलेंट्स आर यूज्ड व्हेन देयर इज एविडेंस ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स को हम उस समय देते हैं जब ये निश्चित हो जाए कि व्यक्ति में पर्टिकुलर डिजीज के कारण क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ कंडीशंस जिसमें हम एंटीकोगुलेंट्स दे सकते हैं वह है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, अनस्टेबल एंजाइना, एट्रियल फिब्रिलेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और अन्य। टिटनेस टॉक्साइड हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन। टिटनेस टॉक्साइड एक हाईली हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन है, यानी इसे गर्मी से जल्दी ये खराब नहीं होता। ईसीजी वोल्टेज कैलिब्रेशन 1 mV = 1 cm। नॉर्मल कैलोस्ट्रॉल लेवल होता है 200 mg तक। कटिंग नीडल्स 3 edges ट्राइंगुलर नीडल्स होती हैं। नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल है 0.5-1.5 mg/dL। इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स: इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, फोकस ऑन प्रिवेंशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, मैन पावर ट्रेनिंग। PTH, जिसे हम पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन या पैराथायरिन के नाम से भी जानते हैं, पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है। यह हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो कि बाइल में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। फीमर हेड कनेक्ट्स फ्रॉम एसिटबुलम। फीमर, जो कि हमारे शरीर की सबसे लंबी, सबसे भारी, सबसे मजबूत हड्डी है, वह एसिटबुलम कैविटी से कनेक्टेड रहती है। टोटल 4 जॉइंट्स फाउंड इन पेल्विस। पेल्विस में कुल 4 जॉइंट्स पाए जाते हैं जिनके कारण इसका निर्माण होता है, जो हैं 1 प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट, 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, 1 सैक्रोकॉक्सीजियल जॉइंट। करंट अफेयर्स में वतन को जानो कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में हुआ। यदि किसी व्यक्ति में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी RDS है तो उसके फेफड़े बेल शेप हो जाएंगे, यानी घंटी की तरह हो जाएंगे। शेक टेस्ट का इस्तेमाल लंग्स की मैच्योरिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। एपिथीलियम टिश्यू आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस शीट। हमारे शरीर में एपिथीलियम टिश्यू एक कंटिन्यूअस शीट के रूप में मौजूद होते हैं। स्पेस बिटवीन सेल्स इज मिनिमम। एपिथीलियम टिश्यूज के बीच स्पेस बहुत कम होता है।
These are avascular but nerve supply present. Epithelium tissues avascular होते हैं, यानी इनमें vessels नहीं पाई जाती, लेकिन इनमें nerve supply present होती है. Florence Nightingale का जन्म इटली में हुआ था. रेल दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है. डायरिया में अकर इन पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स. इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे व्यक्तियों में डायरिया हो सकता है. ईसीजी इम्पॉर्टेंट. ईच स्मॉल स्क्वायर 1 mm. ईसीजी स्ट्रिप में जो आप एक छोटा स्क्वायर देखते हैं, डब्बा देखते हैं, वो 1 mm का होता है. ईसीजी स्ट्रिप पर लार्ज स्क्वायर में 5 mm का होता है. राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर. यदि किसी व्यक्ति के चेस्ट एक्सरे में चमगादड़ के पंखों जैसी संरचना दिखाई दे तो हमें ये मान लेना चाहिए कि उसे पल्मोनरी एडिमा है. पेंटाप्राजोल एक प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग है. कॉलेरा यानी हैजा रोग में व्यक्ति को लगने वाली दस्त चावल के मांड की तरह होती है, यानी राइस वाटर स्टूल होता है. विटामिन ई को हम टोकोफिरोल कहते हैं. 1 pound 480 ग्राम का होता है. मायोसिन प्रोटीन मसल्स में पाया जाता है. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट हाई फॉवलर्स पोजीशन टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज को हम हाई फॉवलर पोजीशन देते हैं. इसके पीछे यह कारण है कि जो ब्लड हार्ट तक दोबारा लौट रहा है वो कम से कम आए, जिसके कारण हार्ट को कम काम करना पड़ेगा और व्यक्ति को इससे बेनिफिट होगा. थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शन. थर्मोलाइसिस लॉस ऑफ हीट बाय फिजिकल रेगुलेशन. स्क्वैमस एपिथीलियम. स्क्वैमस एपिथीलियम को हम पेवमेंट एपिथीलियम भी कहते हैं. ये फ्लैट सेल्स होती हैं, जैसे कि फ्लोर में लगने वाली टाइल्स होती हैं, उसी के समान इनकी आकृति होती है. इनके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. यह लाइनिंग ऑफ हर्ट, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स में पाई जाती हैं. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एंड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस. जॉन्डिस के दो प्रकार जो कि मोस्टली न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलते हैं. यदि बच्चे में जन्म के 24 घंटे बाद जॉन्डिस होता है तो हम इसे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं. ये नॉर्मल माना जाता है. यदि बेबी में जन्म के 24 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस हो जाए तो यह पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है. इसके लिए हमें आवश्यक देखना होता है. स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान कैमल एंड चिंकारा. राजस्थान का राष्ट्रीय पशु ऊंट और चिंकारा है. टोकोलाइटिक्स यूज टू डिक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस एंड टू प्रिवेंट प्रीटर्म बर्थ. टोकोलाइटिक ड्रग्स का इस्तेमाल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को कम करने और प्रीटर्म लेबर को रोकने के लिए किया जाता है. आई स्पेरिकल इन शेप सो इट कैन बी कॉल्ड एज आई बॉल. आँख का आकार गोलाकार होने के कारण इसे आई बॉल भी कहा जाता है. आँख का डायमीटर 2.5 अडल्ट्स में और जन्म के समय 1.75 होता है. हमारे बॉडी में हीट रेगुलेटिंग सेंटर हाइपोथैलेमस है. यदि किसी व्यक्ति में सिंपल इवैक्यूएंट एनीमा देना है तो अगर वो अडल्ट है तो हमें इसके लिए 750 से 1000 ml सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए. अगर वो बच्चा है तो 250 से 500 ml. ऑनकोटिक प्रेशर मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय कॉलोइड्स इन सॉल्यूशंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड. ऑनकोटिक प्रेशर का मतलब है कॉलोइड्स के द्वारा उत्पन्न किया गया ऑस्मोटिक प्रेशर. इसका उदाहरण है प्रेशर जनरेट बाय प्लाज्मा प्रोटीन इन ब्लड. स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. राजस्थान का राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. इसे हम गोडाउन के नाम से भी जानते हैं.
हमारे शरीर में लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस, पीडियाट्रिक ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है जिसमें पीडिया का अर्थ है चाइल्ड, इंट्रिक का मंस है ट्रीटमेंट और आईसीस का मतलब है ब्रांच ऑफ साइंस। पीडियाट्रिक्स के फादर हैं एब्राहम जैकब को हम फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स प्लीज क्लिक अपॉन द लाइक बटन, थैंक यू। इंटरनल जुगलर वेन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन के लिए इंटर जुगलर वेन मोस्ट कॉमन साइट है। प्लेसेंटा का नॉर्मल डायमीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर। ईसीजी टाइमिंग्स, ईसीजी में एक स्मॉल स्क्वायर 0.04 सेकेंड के बराबर माना जाता है, एक लार्ज स्क्वायर 0.2 सेकेंड के बराबर माना जाता है, 25 स्मॉल स्क्वायर्स मिलाकर 1 सेकेंड के बराबर होते हैं और 5 लार्ज स्क्वायर मिलकर 1 सेकेंड के बराबर माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च करने के मुख्य गोल्स क्या हैं? प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, क्रेडिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ केयर। महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल है मुंबई। MEQ का फुल फॉर्म है मिली इक्विलेंट। MEQ एक्सप्रेसेस कंबाइनिंग एक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। MEQ के द्वारा हम कंबाइनिंग एक्टिविटी प्रदर्शित करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। MEQ means number of ion or cations available to combine with another ion or cation. MEQ का मतलब है किसी सॉल्यूशन में उपस्थित anions और cations जो कि दूसरे उपस्थित anion और cations से combine होने के लिए ready हैं। Aspirin को हम acetyl salicylic acid के नाम से भी जानते हैं। इसकी poisoning होने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को हम एज आ एंटीडॉट यूज़ कर सकते हैं या फिर चारकोल भी इसमें एज आ एंटीडॉट की तरह यूज़ किया जा सकता है। चारकोल को हम यूनिवर्सल एंटीडॉट के नाम से जानते हैं। एग रेफरेंस प्रोटीन कहलाता है। क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ये एपिथीलियम क्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। इसका फंक्शन सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन है। रीनल ट्यूब्यूल्स लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में यह पाई जाती हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे। हर्ट इज अ होलो मस्क्यूलर ऑर्गन लोकेटेड इन मीडिया स्टीनम। हर्ट एक होलो मस्क्यूलर ऑर्गन है जो कि मीडिया स्टीनम में स्थित रहता है। मीडिया स्टीनम का मतलब है स्पेस बिटवीन टू लंग्स। आइज एंड जेनाइटल एरिया शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के लिए फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट के दौरान बच्चों के आँखों और जेनाइटल एरिया को कवर करना जरूरी है। महाराष्ट्र के वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। डेलीरियम ट्रिमर्स आर विड्रॉल सिम्टम्स ऑफ एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के पेशेंट्स में डेलीरियम ट्रिमर्स एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स के रूप में दिखाई देते हैं। प्रोलैक्टिन को हम मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन कहते हैं जबकि ऑक्सीटॉक्सिन को मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहते हैं। प्रोलैक्टिन मिल्क का निर्माण करता है और ऑक्सीटॉक्सिन तैयार मिल्क को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स में ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र स्टेट का निर्माण 1 मई 1960 को हुआ था। इस वजह से
हर वर्ष 1 मई को हम महाराष्ट्र डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट के कुछ इम्पॉर्टेंट सिंबल्स हैं मैमलिन, इंडियन ग्रेन्ड स्क्वायरल, राज्य पक्षी है येलो फुटेड ग्रीन पीजन, इंसेक्ट है ब्लू मॉर्मन, फ्लोर है जूरल, ट्री है मैंगो ट्री। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।